अगर हम पर्टिकुलरली बात करें बुलिमा नवोसा की तो अगर किसी फैमिली के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि उस फैमिली के अंदर जो बुलिमा नवोसा का प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा उसकी जो रेशो है जो डिफ़रेंट स्टडीज़ हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि 11.7 परसेंट जो हैं इट इज़ मोर लाइकली कि ऐसी फैमिलीज़ जिसके अंदर ये चीज़ रन कर रही होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव करती है इसी तरह अगर हम जनरल पॉपुलेशन से इसको कंपेयर करें तो ऐसी फैमिलीज़ जिनके अंदर सकेट्री प्रॉब्लम्स होती हैं या पर्टिकुलरली ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उनके अंदर थ्री टू फोर परसेंट जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और ऐसी फैमिलीज जिसके अंदर डिप्रेशन होता है उनके अंदर भी ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसको हम दो तीन तरीक़ों से समझ सकते हैं नंबर वन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जेनेटिक रीजन है इन्वामेंट कंडूसिव नहीं है डेफिनेटली जो आ, आ, नेचर और नर्चर का कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो गया ठीक है इस वजह से बलेमा नर्वोसा जो है वो एक्सिबिट हो गया इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो डिप्रेशन है आ, वो उसके अंदर लो सेल्फ़ स्टीम होती है ठीक है तो ऐसी फैमिलीज इनके अंदर डिप्रेशन जो है वो प्रिवेल कर रहा होता है तो वो जेनेटिकली जब आगे ट्रांसमिट होता है और अगर आ, उस शख्स के अंदर जो है वो वेट और शेप से रिलेटेड ज़्यादा कंसर्न्स हैं तो इट इज़ मोर लाइकली कि जो उसका प्रॉब्लम है बोलेमा नर्वोसा का वो ट्रिगर कर जाए देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर ब्रेन स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक बात करते हैं ब्रेन सर्किट की और एक बात हम करते हैं लेटरल हाइपोथलमस की तो जो ब्रेन सर्किट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं वो कॉग्निशंस को बिहेवियर्स को और इमोशंस को एक दूसरे से रिलेट करते हैं और जो न्यूरो हैं जो इन फंक्शंस को ऑपरेट कर रहे होते हैं वो उनको इकट्ठा करके इन कम्बिनेशन जो है वो बॉडी का जो मैकनिज़म है उसको मेंटेन करते हैं अगर उस ब्रेन सर्किट के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आ, जो है किसी भी क्लाइंट के अंदर बुलमा नर्वोसा जो है वो एग्जिबिट कर सकता है इसी तरह जो लेटरल हाइपोथलमस है उसकी जो स्टिमुलेशन है ओवर स्टिमुलेशन है उसकी वजह से फूड इनटेक जो है वो हाई होती है ठीक है तो ये भी पॉसिबल है कि जो इनकी लेटरल हाइपोथलमस है उसके अंदर जो है वो स्टिमुलेशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो इसी तरह जब हम न्यूरो की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि जो सेरेटोनिन का लेवल है वो इन लोगों में लो होता है सरेटोनिन हमें पता है कि बहुत से बॉडी के फंक्शंस को जो है ऑपरेट करता है जिसमें एपेटाइट भी है जिसके अंदर इमोशंस भी हैं जिसके अंदर आपका जो मूड है वो भी उसको रेगुलेट करने का जो फंक्शन है वो सरेटोनिन लेवल जो है उसको मेनटेन करता है तो अगर सेरोटोनिन लेवल जो है वो इन लोगों में हाई हो तो इट इज़ मोर लाइकली कि जो है क्लाइंट जो है वो बुले मना वोसा के सिम्टम्स जो है वो मैनिफेस्ट कर सकता है इसी तरह अगर हम जेंडर देखें तो हमने ये देखा था कि मेनली जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो फीमेल्स के आ, जेंडर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है लेकिन मेल्स में ये देखा गया है कि ऐसे मेल्स जो किसी किस्म के रिलेशनशिप के अंदर नहीं होते ठीक है आ ना वो बाइसेक्शुअल रिलेशनशिप में है ना वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो उस उन लोगों के अंदर भी टाइम बुलमा नर्वोसा की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने में आई है इसी तरह जब हम अर्ली प्यूबर्टी की बात करते हैं तो सर्टन टाइम ये होता है कि जैसे ही बच्चे मेच्योर होना शुरू होते हैं और उनकी जो फिज़ीक है वो चेंज होना शुरू होती है तो उस वक़्त दे आर वेरी मच कंसर्नड अबाउट देयर वेट अबाउट देयर बॉडी शेप ठीक है तो वो जो, जो मैचरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें फ़िजिकल मैचरीशन भी हो रही होती है उस वक़्त जो है अगर कोई बच्चा जो है वो ओवरली इंडल्ज हो जाए अपने वेट के साथ और शेप के साथ तो उस वक्त की जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती हैं वो भी एक बड़ा कॉज होती है बोले मना को डेवलप करने में थैंक यू